सबसे पहला टाइप स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। नाम से ही पता क्या चल रहा है कि रीजनरेशन तो होगा लेकिन स्टेम सेल की मदद से होगा। स्टेम सेल विल गोइंग टू हेल्प इन रीजनरेशन प्रोसेस। तो ऐसे रीजनरेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारी लाइफ में, तो देखते हैं। स्टेम सेल अलाउ ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो सर्टेन ऑर्गन और टिश्यू दैट हैव बीन लॉस्ट। स्टेम सेल जब एक ऑर्गेनिज्म की मदद करता है उस लॉस्ट टिश्यू या ऑर्गन को दोबारा से रीग्रो करने में, दोबारा से जब रीफॉर्म करने में, तो ऐसे रीजनरेशन को हम स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी स्टेम सेल की मदद से रीजनरेशन होना, इसे हम कहते हैं स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। एग्जाम्पल होता है जैसे कि हमारे हेयर शाफ्ट का रीग्रोथ होना। दिस इज अ हेयर शाफ्ट, राइट। जब ये हेयर शाफ्ट जो है तो हमारा जो हेयर शाफ्ट होता है वो एक्चुअल में फॉलिक्यूलर स्टेम सेल से, ठीक है, जो कि हेयर ब्लेडस में प्रेजेंट रहते हैं, वहां से बार बार हेयर शाफ्ट का रीग्रोथ होता है। ये स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन होता है। सो एग्जांपल इंक्लूड द रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट फ्रॉम द फॉलिकुलर स्टेम सेल इन द हेयर ब्लेडस। हेयर ब्लेडस में पाए जाने वाले जो फॉलिकुलर स्टेम सेल है, वहां से जो बार बार हमारे हेयर शाफ्ट का रीग्रोथ हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो कंटिन्यूअल बेसिस पे जो रिप्लेसमेंट हो रहा है ब्लड सेल का फ्रॉम हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो। हमारी बॉडी में जैसे कि आपको पता है WBC RBC ये लगातार बनते रहते हैं। कैसे बन रहे हैं, ये भी एक एग्जांपल है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का, जिसमें कि ब्लड सेल का रिप्लेसमेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। तो हमको पता है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो है ये हमें वैरायटी ऑफ सेल्स देते हैं जो कि हमारे ब्लड सेल्स का पार्ट बनते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। तो यहाँ पे जैसे कि अगर देखा जाए तो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन में क्या हो रहा है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो है कुछ पर्टिकुलर प्रोजेनाइटर सेल बनाते हैं, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई अलग टाइप के यूनिपोटेंट स्टेम सेल हो गए जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन रखते हों और वो एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेड सेल बनाए। तो किसी भी केस में कोई भी रीजनरेशन किसी भी टाइप के स्टेम सेल के द्वारा हो रहा हो तो उसे हम स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन कहेंगे। वो स्टेम सेल कोई भी स्टेम सेल हो सकता है, इट कैन बी मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, यूनिपोटेंट, बट स्टेम सेल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपके स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का, अगर हम मैमेलियन बॉडी में कहें तो रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल एंड रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट, ये दोनों ही बेस्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन के। अगला एग्जाम्पल चला आता है इसका, दैट इज इन अ प्लेनेडिया, ठीक है। प्लेनेडिया आप आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है, ये रहा। इसे सिंपल भाषा में जो है फ्लैट फॉर्म कहा जाता है। इसका जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा करता है। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है ये अपने आप को स्प्लिट करता है हाफ में, अपने पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड को अलग करता है और हर एक सेगमेंट जो है लॉस्ट पार्ट बना लेता है। इस टाइम पे मेन मकसद होता है रिप्रोड्यूस करना, ओके। सो रीजनरेशन, ड्यूरिंग द रीजनरेशन ईच पीस रिक्रिएट ऑल द एप्रोप्रिएट सेल टाइप दैट मेक अप द प्लेनेरिया। रीजनरेशन के टाइम पे मान लीजिए अगर आपने इस प्लेनेरिया को कट कर दिया, ठीक है, जिसे यहां पे हमने कट कर दिया, तो कट करने के बाद जो लॉस्ट पार्ट होता है यानी हेड वाला सेक्शन अलग से टेल बना लेगा, टेल वाला सेक्शन अलग से हेड बना लेगा, मतलब लगभग सारे ही वो सेल बन जाएंगे बॉडी में जो कि लॉस्ट हुए हैं। और इसमें जो स्टेम सेल काम करता है वो होता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ऑल टिश्यूज ऑफ प्लेनेरिया।
तो जो स्टेम सेल प्लेनेरिया के केस में काम कर रहा है रीजनरेशन में, क्योंकि हम इसका भी एग्जांपल स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन में ही देख रहे हैं, अंशिका जी एक ब्लड फिजियोलॉजी का जो है एक बड़ा बढ़िया सा चैप्टर है यूट्यूब पे, ठीक है आप उसको एक बार देखिए। वापस से कोई चीज बन रही है, वापस से बार 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 बन रही है, तो वो रीजनरेशन का पार्ट नहीं हुई? आपके आरबीसी बन रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फिर दोबारा से बन रहे हैं, राइट आपकी बॉडी में, तो वो रीजनरेशन का ही तो पार्ट हुआ ना। हमने क्या बोला, लॉस्ट पार्ट। कोई चीज पूरी लॉस्ट हो जा रही है तो भी वो बन रही है, और किसी पार्ट से अटैच कोई चीज लॉस्ट हो जा रही है तो भी वो पूरी बन रही है, तो ऑफकोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ रीजनरेशन। ओके, तो एज आई हैव मेंशन कि प्लेनेरिया के केस में जो है जो पार्ट आप कट कर दोगे और जो पार्ट मिसिंग रह गया वो पार्ट बन जाएगा, और इसमें जो स्टेम सेल काम करेंगे वो मेनली होंगे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। जैसे कि ये रहा प्लेनेरिया, अगर आप इसके हेड सेक्शन को अलग कर दो, ठीक है, और ये टेल सेक्शन को अलग कर दो, तो हेड सेक्शन वाला इस तरीके से टेल वाला टेल सेक्शन बना लेगा, और टेल सेक्शन जो है इस तरीके से हेड सेक्शन बना लेगा। हेड एरिया डेवलप टेल एज अ रीजनरेटेड पार्ट एंड टेल एरिया विल डेवलप हेड एज अ रीजनरेटेड पार्ट। तो प्लेनेरिया इतना कमाल का ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या काम करता है, हमने देखा कि ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से बाइसेक्ट कर देते हैं, दो टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं इस प्लेनेरिया को, तो ये वापस से देखिए कंप्लीटली रीजनरेट हो जाएगा, राइट। तो इसमें रोल देखा गया प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का। अब चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि मैकेनिज्म जो है कैसे काम करता है। व्हाट सेल फॉर्म द न्यू हेड, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली दिमाग में आएगा ना कि हेड टेल बना ले रहा है, टेल वाला पार्ट हेड बना ले रहा है, तो कौन सा सेल जो है नया हेड और नया टेल बना रहा है प्लेनेरिया में, ठीक है। फॉर डेकेड्स इट वॉज बिलीव दैट द ओल्ड सेल डिफ्रेंशिएटेड एट द कट एंड ऑफ प्लेनेरिया टू फॉर्म रीजनरेशन ब्लास्टिमा which is a collection of relatively undifferentiated cell that would organize into new structure by the paracrine factor located in the epidermis. लंबे टाइम तक ये बिलीव किया गया कि जो प्लेनेरिया में कट पोर्शन वापस से जो रीजनरेट हो रहा है वो कैसे रीजनरेट हो रहा है, दैट इज थ्रू द सेल डी डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या हुआ, फंक्शन को लॉस करके, ठीक है, लॉस्ट फंक्शन को लॉस्ट करके, ठीक है, ये बोला गया। तो डी डिफरेंट पहले ये यकीन मतलब पहले ये बिलीव किया गया कि प्लेनेरिया में जो रीजनरेशन हो रहा है उसमें जो सेल है वो डी डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं, मतलब अपना फंक्शन लॉस कर दे रहे हैं, फिर वो एक रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा बना रहे हैं, मतलब कि फिर वो अनडिफरेंशिएटेड सेल के स्टेट में आ रहे हैं, फिर वो डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके फिर अपना फंक्शन गेन करके नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन बाद में ये चीज आगे चल के यानी 2011 में ये चीज क्लियर हुई किसके द्वारा, दैट इज वैगनर के द्वारा, उनके कलीग के द्वारा कुछ ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए जिससे पता चला भाई साहब कोई डी डिफ्रेंसिएशन इनमें नहीं होता। स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर लिया गया था, 2011 में ये चीज सामने आई कि किसी भी तरीके का डी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है इसमें, तो फिर कैसे होता है, तो बोला गया कि इसमें जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन ब्लास्टिमा जो है वो किसी डी डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस के द्वारा फॉर्म नहीं होता है, बल्कि वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा फॉर्म होता है, और प्लेनेरिया में इस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को नाम दिया गया क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट, जिसे हम सी नियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया में प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल पाए जाते हैं जिसे हम सी नियोब्लास्ट यानी क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट कहते हैं। इट इज अ सेट ऑफ प्लूरीपोटेंट सेल इन द फ्लैटवर्म दैट इज प्लेनेरिया दैट सर्व एज अ स्टेम सेल टू रिप्लेस द एजिंग सेल ऑफ द एडल्ट बॉडी। सी नियोब्लास्ट कैन माइग्रेट टू द वुंड साइट एंड रीजनरेट द टिश्यू। तो जहां पे वुंड बनता है, जहां घाव बनता है, जहां कट लगा है, वहां पे ये सेल क्या करते हैं, ये सेल सी नियोब्लास्ट सेल माइग्रेट करते हैं उस वुंड साइट पे और वहां पे जाके टिश्यू को रीजनरेट करते हैं।
यहां से क्या चीज सामने आई, यहां से सामने आया कि जो रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में वो किसके द्वारा होता है, वो होता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा, जिसे हम सी नियोब्लास्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इतना से मन नहीं भरा, वैगनर ने क्या किया, कुछ और एक्सपेरिमेंट भी किया, और वो एक्सपेरिमेंट भी थोड़े से अलग अलग टाइप के थे। इन्होंने क्या किया, ही वॉज एबल टू शो दैट इफ प्लेनेरिया वॉज इरेडिएटेड एट हाई डोसेज दैट डिस्ट्रॉय नियरली ऑल नियोब्लास्ट दैट इज डिवाइडिंग सेल आर लाइकली टू किल मोर रैपिडली बाय द रेडिएशन देन द नॉन डिवाइडिंग सेल। There would be some individual animal in which a single C neoblast survived. From this neoblast, dividing progenitor cell formed, ultimately producing the cell type of all germ layer origin. तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बहुत से प्लेनेरिया लिए और उनमें उनको जो है हाई डोज ऑफ रेडिएशन दिया, मतलब बहुत हाई डोज में रेडिएशन दिया, जिसकी वजह से क्या हुए, और ये हाई डोज का जो हाई डोज जो रेडिएशन का दिया उसके इफेक्ट जो है डिवाइडिंग सेल पे ज्यादा थे, नॉन डिवाइडिंग सेल पे कम थे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ज्यादातर प्लेनेरिया में ये जो सी नियोब्लास्ट जो कि डिवाइडिंग सेल होते हैं, क्योंकि ये क्या है स्टेम सेल है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में होते हैं, तो ये सेल जो है मैक्सिमम सेल डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन कहा गया कि अगर एक भी इंडिविजुअल सी नियोब्लास्ट इस प्रोसेस में अगर जिंदा बच गया तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर प्लेनेरिया बना देगा। इतने हाई डोज के बाद भी अगर एक भी सी नियोब्लास्ट बच गया, दैट इज अ सिंगल सेल रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द नियोब्लास्ट आर प्लूरिपोटेंट सेल रिसाइडिंग इन द एडल्ट बॉडी कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग ऑल टिश्यूज ऑफ प्लेनेरिया। और देखा गया कि ये सी नियोब्लास्ट कैपेबल है एक सेल से ही कंप्लीट प्लेनेरिया बनाने में, ठीक है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा क्या किया गया, अब आपके दिमाग में ये भी आया कि ठीक है हमने क्या किया, हमने जो है प्लेनेरिया में बहुत हाई डोज दिया हमने रेडिएशन का, हाई डोज रेडिएशन, और हम कह रहे हैं कि एक सी नियोब्लास्ट बच गया, सरवाइव, मतलब सरवाइव कर गया, तो देखा गया कि इससे इजीली प्लेनेरिया बन गया। ये था एक्सपेरिमेंट वन। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, देखिए, द सी नियोब्लास्ट आर एसेंशियल फॉर रीजनरेशन। इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि क्योंकि देखिए एक सी नियोब्लास्ट बच गया तो क्या कर रहा है, वो प्लेनेरिया का रीजनरेशन कर दे रहा है उस एक सेल से, तो दैट वाज अ कंक्लूजन कि सी नियोब्लास्ट एसेंशियल है रीजनरेशन के लिए, एंड देयर टोटल लॉस कुड प्रिवेंट रीजनरेशन। और अगर आपने पूरा ही सी नियोब्लास्ट डिस्ट्रॉय कर दिया हाई रेडिएशन के द्वारा, तब कोई रीजनरेशन नहीं होगा, मतलब कि ये जो रीजनरेट हो रहा है रीजनरेशन, ये रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। सेम यही काम इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया, क्या किया, नेक्स्ट द रिसर्चर इरेडिएटेड प्लेनेरिया सो दैट ऑल डिवाइडिंग सेल वेर डिस्ट्रॉयड। अब क्या किया, प्लेनेरिया को फिर से इरेडिएट किया, इस टाइम भी पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा हाई डोज दिया, और इस टाइम पे क्या हुआ, ऑल सी नियो डिस्ट्रॉयड, सारा का सारा जो है सी नियोब्लास्ट सेल डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हुआ, देयर वॉज नो रीजनरेशन एंड प्लेनेरिया डाइड। देखिए, दीज प्लेनेरिया डाइड बिकॉज ऑफ द फेल्ड टिश्यू रिप्लेसमेंट, क्योंकि इतना आप हाई रेडिएशन दे रहे हो कि उस प्लेनेरिया के अंदर के सारी डिवाइडिंग सेल की डेथ हो जा रही है, लेकिन अगर एक भी सी नियोब्लास्ट बच जा रहा था ना, वो सबको रिप्लेसमेंट कर दे रहा था,
सब कुछ अच्छा अच्छा बना दे रहा था, प्लेनेरिया भी सर्वाइव कर एक एक सीनियोब्लास्ट से कंप्लीट प्लेनेरिया बन जा रहा था, यानी रीजनरेशन होना पॉसिबल था। लेकिन जब आपने डोज जो है रेडिएशन का और बढ़ाया और आपने सारे ही सीनियोब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कोई रीजनरेशन नहीं हुआ और प्लेनेरिया की डेथ हो गई। इतना ही नहीं, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, तीसरा एक्सपेरिमेंट। However, the transplantation of single xenoblast into such an irradiated flatworm could in some cases restore all the cell of organism. यानी थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इसमें जो है ऐसा प्लेनेरिया जिसमें सारे नियोब्लास्ट डिस्ट्रॉय हो गए थे, अगर आप क्या करो, दैट इज ट्रांसप्लांट कर दो, ट्रांसप्लांट ऑफ सिंगल सीनियोब्लास्ट, अगर आप ट्रांसप्लांट कर दो एक सिंगल सीनियोब्लास्ट को, तो क्या होगा, सम केसेस में, कुछ एकाद केसेस में चांसेस होंगे, इसलिए मैं चांसेस लिख रही हूं, चांसेस ऑफ रिस्टोरिंग ऑल सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। As a result of that, not only did the flatworm survive, इस केस में flatworm survive भी करेगा, but it split into more planarias and all cell of these new planaria had the same genotype as the single donor neoblast. और इस केस में क्या होगा, and flatworm will survive. ठीक है, flatworm जो है सर्वाइव करेगा। नहीं अभिषेक, ये टोटिपोटेंट नहीं है, ये प्लूरिपोटेंट है, क्योंकि सोर्स चाहिए यहाँ पे, बिना सोर्स के नहीं होगा। एक सेल रह रहा है जिसमें सोर्स रह रहा है, इसी के कारण हो रहा है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, सो इससे क्या पता चला, दीज रिजल्ट कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू सेल ड्यूरिंग द रीजेनरेशन इन द फ्लैटवर्म इज फ्रॉम एडल्ट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये एग्जिस्टिंग प्लेनेरिया में रीजेनरेशन करवा रहा है, राइट? एग्जिस्टिंग प्लेनेरिया यानी प्लेनेरिया के अंदर जितने भी सेल्स थे, नियोब्लास्ट सेल, सबको मार दिया जा रहा है, और अगर एक भी सीनियोब्लास्ट बच रहा है तो वो सारे सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। हेंस प्लेनेरिया फंक्शनल रहेगा, सर्वाइव करेगा, यानी रीजेनरेट करेगा। और अगर इसको पूरा ही हटा दोगे तो उस प्लेनेरिया के अंदर के सारे सेल चले गए हैं, जिसको कि अब वो रीजनरेशन के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और प्लेनेरिया की डेथ हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ प्लूरिपोटेंट, नॉट अ टोटिपोटेंट। तेजस्वी जी पता कीजिए। यस, ये क्लियर हो गया सभी को, सीनियोब्लास्ट का कंसेप्ट क्या हो रहा है क्या नहीं? हां जी एवरीवन, ये एक्सपेरिमेंट सबको डन हो गया। इस एक्सपेरिमेंट का मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए पिक्चर। इस केस में जो है, जब इतना रेडिएशन दिया गया है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर एक सेल भी बाकी रह गया, एक सेल भी ठीक रह गया, तो वो बाकी सेल को फॉर्म करने में मदद करेगा और प्लेनेरिया सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि ज्यादा आपने रेडिएशन दे दिया और एक सेल भी सर्वाइव नहीं किया, तो उस केस में प्लेनेरिया के अंदर अब तो कोई डिवाइडिंग सेल है नहीं, तो प्लेनेरिया भी लंबा डिवाइड नहीं कर पाएगा। और इस टाइप के प्लेनेरिया में अगर आपने बाहर से एक सीनियोब्लास्ट भी लाके ट्रांसप्लांट कर दिया, तो इस टाइप के प्लेनेरिया में बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे उस एक सीनियोब्लास्ट से। और इवन उसके बाद अब अगर इस प्लेनेरिया को अगर आप कट कर देते हो या किसी कारण से ये कट हो जाता है, तो ये अपने पूरे के पूरे लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रीजनरेशन होगा वो स्टेम सेल के द्वारा होगा, और स्टेम सेल जो है वापस से बॉडी में आ गए हैं अच्छे खासे नंबर में। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप अपनी बातों में फंसे रहेंगे तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, और टॉपिक लंबे लंबे हैं, दोबारा से एक टॉपिक को रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, फिर आपको रिकॉर्डिंग से ही देखना होगा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आप अपने डाउट को जो है अपनी कॉपी में भी नोट करके रख सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि उस डाउट के बिना आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एक डाउट पूछेंगे, उसको पूछने या टाइप करने के चक्कर में उस उतने दौरान में जितना कुछ मैंने बोला है वो फिर से मिस हो जाएगा, फिर उसको भी आप डाउट बना के दोबारा पूछेंगे, है ना। तो एक के चक्कर में दूसरा वाला मिस हो जाएगा। इसलिए बार बार आपको बोला है कि जो भी आपके पास डाउट होता है अपने पास लिस्ट बना के रखा कीजिए। यहाँ क्लियर नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, वहां क्लियर हो जाएगा। और कुछ चीजें जो आपकी उत्सुकता के कारण जनरेट हो रही है उसको अपने एंड से पता करने की कोशिश कीजिए, कुछ तो काम अपने एंड से कीजिए। अगर सिलेबस का जिम्मा हम लिए हैं तो आउट ऑफ सिलेबस अगर आपकी कुछ क्यूरियोसिटी जनरेट होती है उसको अपने एंड से सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए क्या है कैसा है, कुछ एक्साइटिंग अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो। सी नियोब्लास्ट खुद एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, वो अगर रहता है तो वो और सेल की पॉपुलेशन बनाएगा और एक सेल में रीजनरेशन कैपेबिलिटी डालेगा। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा जो है रीजनरेशन, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन हम पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेम सेल रहेगा तभी रीजनरेशन होगा, स्टेम सेल नहीं रहेगा तो रीजनरेशन नहीं होगा। और इतना ही, अगर एक स्टेम सेल है तो वो सोर्स बनता है अदर सेल का, तो वो रहेगा तो एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। अदरवाइज अगर आप उस ऑर्गेनिज्म के अंदर के सारे सेल्स को मार दे रहे हो और उसमें कोई सेल नहीं है कि उस लॉस को कंपनसेट करे तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा रहेगा। इसीलिए प्लेनेरिया मर जा रहा था जब उसके सारे ही सेल आपने डिस्ट्रॉय कर दिए तो। लेकिन उसमें एक सेल भी अगर जिंदा रह जाता है तो वो सारे सेल का कंपनसेशन कर लेगा क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है रीजनरेट करने की। ठीक है, ओके चलो अब अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। प्लेनेरिया का एक ये एक्सपेरिमेंट देखा हमने जिसमें कि हमारे सामने एक नया कंसेप्ट आया सी नियोब्लास्ट का। अभी भी हम स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन पढ़ रहे हैं प्लेनेरिया के केस में। अगला एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे प्लेनेरिया को जो है बीच से बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करके जो है इसके दो पार्ट अलग अलग हो गए, एक हेड सेक्शन अलग हो गया, एक टेल सेक्शन अलग हो गया। लेकिन जब ये पार्ट अलग अलग हो गए तो देखिए हेड सेक्शन ने कंपनसेट करके टेल सेक्शन बना लिया और टेल सेक्शन ने जो है कंपनसेट करके हेड सेक्शन बना लिया। यही होना चाहिए और यही हुआ। सो दिस इज अ लाइक, ठीक है, कट हुआ, प्लेनेरिया का बाइसेक्ट किया गया और वो रीजनरेट कर गया, मतलब जो पार्ट जिस चीज का जो पार्ट लॉस हुआ था उस लॉस पार्ट को वापस से बना लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस बार जो है प्लेनेरिया को तीन पार्ट में कट किया गया, हेड का पार्ट, बीच का पार्ट एक अलग किया गया और टेल का पार्ट अलग किया गया। मतलब एक्चुअल में हमारे पास तीन पार्ट आया इसके कट करने पे, हेड सेक्शन, ये रहा मिडिल पीस जो कि काफी ज्यादा ब्रॉड है, राइट, और ये रहा टेल का सेक्शन। इसको अलाउ किया गया रीजनरेट होने के लिए, तो देखा गया कि एकदम सही से ही रीजनरेट कर गया। जहां हेड था वहां पे टेल बना दिया गया, जहां टेल था वहां पे लॉस के तौर पे हेड भी बन गया, और जो मिडिल पीस था उसने क्या किया, उसने हेड भी ऊपर बना लिया और टेल भी ऊपर बना लिया और टेल भी नीचे बना लिया। यानी इस केस में भी क्या हुआ, इस केस में भी जो है हमको यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट रीजनरेशन देखने को मिल गया। बवाल कब हुआ, बवाल हुआ तीसरे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे भी हमने तीन पार्ट में कट किया तो हुआ क्या, ये जो मिडिल वाला पीस था इसे हमने थोड़ा सा नैरो कट कर दिया, यानी थोड़ा पतला कट कर दिया। यहाँ पे जो कट किया था हमने ये थोड़ा सा बीच वाला पीस मोटा था, ब्रॉड था, चौड़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ वाला जो कट किया ना ये बहुत नैरो, बहुत पतला सा पीस कट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रीजनरेशन मतलब की नॉर्मल नहीं हो पाया और रीजनरेशन में एबनॉर्मेलिटी चली आई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप हेड कट करते हो ना तो हेड एरिया से एक सिग्नल जाता है जो कट वाला पार्ट होता है कि भाई जो लॉस्ट पार्ट है वो बना दो, तो हेड वाले पार्ट से टेल बन जाता है। टेल वाला पार्ट जो अलग हुआ है वो सिग्नल देता है कि भाई जो लॉस्ट पार्ट है उसे बना दो, तो टेल वाला पोर्शन हेड को बना देता है और कंपनसेट करके कंप्लीट प्लेन एरिया बन के रेडी हो गया। सेम केस यहाँ भी है, सी में भी वही हुआ कि जो हेड वाला सेक्शन है उसने सिग्नलिंग दिया टेल बना लो तो टेल बन गया, टेल वाले सेक्शन ने सिग्नलिंग दिया हेड बना लो, हेड बन गया। बीच में जो मोटा एरिया है, ब्रॉड एरिया है, उसने अपने एंटीरियर साइड में सिग्नल दिया कि भाई हेड बनाओ और पोस्टीरियर साइड में सिग्नल दिया कि भाई टेल बनाओ, इसलिए यहां पर हेड और यहां पर टेल बन गया।
बाकी ये दोनों का केस तो सेम है पहले वाले केस जैसा, लेकिन डी केस में क्या हुआ, यहाँ का जो मिडिल पीस है ना ये इतना नैरो है कि यहाँ पे सिग्नलिंग जनरेट करने के लिए वो ग्रेडियंट बना ही नहीं। यहाँ पे जो मिडिल पीस का जितना साइज था नैरो वो सफिशियंट नहीं था सिग्नलिंग जनरेट करने के लिए, क्योंकि सिग्नलिंग जनरेट करने के लिए पहले खुद के पास कुछ होना चाहिए, और ये पीस इतना नैरो है कि वो ग्रेडियंट वो फैक्टर्स इसके पास रह ही नहीं पाए, कटिंग के दौरान जो है वो वहां से एलिमिनेट हो गए, जिसकी वजह से जो रीजनरेशन है वो एबनॉर्मल देखने को मिला। तो बी में वही बोला, इफ अ प्लेनेरिया इज कट इन हाफ तो उसका पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लोअर हाफ जनरेट अ हेड व्हाइल द पोस्टीरियर ऑफ अपर हाफ विल जनरेट अ टेल। ठीक है, सेम टिश्यू कैन रीजनरेट अ हेड इफ इट इज एट अ एंटीरियर पोर्शन ऑफ टेल पीस और टेल इफ इट इज एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड, यानी जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो अपना इंटीरियर बना लेगा, जो इंटीरियर पोर्शन है वो अपना पोस्टीरियर बना लेगा। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में क्या है, अगर हेड अलग हुआ है तो हेड जो है टेल बना लेगा, और टेल अलग हुआ है तो टेल मिसिंग पार्ट दैट इज हेड बना लेगा, जो जिसके पास मिसिंग है वो बना लेगा। सी केस में हमने देखा कि इफ अ फ्लैट वर्म इज कट इन टू थ्री पीसेस द मिडिल पीस विल जनरेट अ हेड फ्रॉम इट्स एंटीरियर एंड एंड द टेल फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एंड, जो कि हमने अभी यहाँ पे कहा। लेकिन अगर इस मिडिल स्लाइस को आपने बहुत ज्यादा नैरो कर दिया, देर इज नो डिस्क्रिमिनेबल मॉर्फोजन ग्रेडियंट विद इन इट एंड रीजनरेशन इज एबनॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे जो है मॉर्फोजन का ग्रेडियंट नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये इतना पतला पोर्शन काटा गया कि कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, और एज अ रिजल्ट रीजनरेशन नॉर्मल नहीं हुआ, एबनॉर्मल हो गया। सो अ ग्रेडियंट ऑफ एंटीरियर प्रोड्यूसिंग मटेरियल कंसंट्रेटेड इन हेड रीजन द मिडिल सेगमेंट वुड बी टोल्ड वॉट टू रीजनरेट एट बोथ एंड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ दीज मटेरियल इफ द पीस वेर टू नैरो हाउएवर द ग्रेडियंट वुड नॉट बी सेंस विद इन द सेगमेंट। ग्रेडियंट मतलब यहाँ मॉर्फोजन की बात की गई है, राइट यानी कोई चीज अपना कंसंट्रेशन डिफरेंस बना के काम कर रही है। तो बोला जा रहा है कि अगर पीस बीच वाला पीस अगर थोड़ा सा थिक रहता है तो उसके एंटीरियर साइड में उसके पास इंफॉर्मेशन होती है हेड बनाने की, पोस्टीरियर साइड में इंफॉर्मेशन होती है टेल बनाने की, लेकिन ये पीस अगर बहुत ज्यादा नैरो हो जाए तो वो कंसंट्रेशन इसके पास नहीं रहता, वो कैपेबिलिटी इसके पास नहीं रहती है। बाइसेक्ट में भी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, ट्राइसेक्ट में भी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ट्राइसेक्ट में जब आप मिडिल पीस बहुत नैरो कर दे रहे हो तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स इसका हेड वाला पोर्शन बना लेगा, इसका टेल वाला पोर्शन भी बना लेगा, इसका मिडिल पीस वाला पोर्शन नहीं बना पाएगा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अपर और लोअर वाला जो पार्ट है, ये जो हेड वाला है ये हेड जो है एक टेल बना लेगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये टेल वाला एक हेड बना लेगा, ये भी नॉर्मल हो जाएगा, जो बीच वाला है ना नैरो वाला सिर्फ वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं आपके स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन में। ठीक है, स्टेम सेल तो यहाँ रोल प्ले करेगा ही। स्टेम सेल क्या कर रहा है, कैसे रोल प्ले कर रहा है, जहां पे कट लगा है वहां पे वो स्टेम सेल को माइग्रेट करवा रहा है, वहां पे वुंड को क्लोज कर रहा है और वहां से रीजनरेशन शुरू कर रहा है। तो स्टेम सेल यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, जिस जिस जगह आप रीजनरेशन देख रहे हो वहां वहां पे वो स्टेम सेल काम कर रहा है, दैट इज सीनियोब्लास्ट काम कर रहा है। लेकिन क्या खाली स्टेम सेल काम कर रहा है ना, और भी फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हेड टू टेल पोलैरिटी की बात करते हैं। प्लेनेरिया में डब्ल्यू एन टी बीटा कैट सिग्नलिंग चलती है, डब्ल्यू एन टी का जो फंक्शनिंग होता है वो मेनली टेल का डेवलपमेंट करवाता है, यानी डब्ल्यू एन टी बीटा कैट की जो सिग्नलिंग होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेल फॉर्मेशन, यानी प्लेनेरिया में जो टेल फॉर्म हो रहा है
उसके लिए WNT बीटा कैट रिस्पॉन्सिबल है। आप WNT रिस्पॉन्सिबल बोलिए, आप बीटा कैट रिस्पॉन्सिबल बोलिए, आपकी मर्जी है। बस एक चीज तो कंफर्म है कि यहाँ पे कैनोनिकल WNT बीटा कैट पाथवे चलने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट WNT एक्सप्रेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हेड एंड द फंक्शनल प्रोटीन आर प्रिज्यूम टू बी प्रेजेंट इन द टेल टू हेड ग्रेडियंट। Thus, the role of WNT signaling play in axis patterning is thematically similar in the hind and planaria, but its effects are different. In fact, देखा गया है, ये तो important एक fact है ही, देखा गया है कि अगर आप WNT या beta cat की signaling को inhibit कर दें, ठीक है, in regeneration deficient species, यानी एक ऐसा स्पीसी जिसमें रीजनरेशन हो सकता था, लेकिन आपने उसमें क्या कर दिया, WNT बीटा कैट को इनहिबिट कर दिया, दे विल यील्ड फुल्ली फंक्शनल रीजनरेटेड हेड, ठीक है। उसमें जो है, अगर आपने WNT को हटा दिया उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें रीजनरेशन हो रहा था, तो उसमें जो है टेल नहीं बनेगा, हेड बनेगा। These results demonstrate the inhibitory function of WNT signaling on head specification during the regeneration. यानी second चीज हमें यहाँ से ये जानने को मिलती है कि WNT जो है वो head formation को रोकता है, क्योंकि वो tail formation करवाता है। जो चीज tail करवाती है वही head थोड़ी करवा सकती है। In fact वो tail वाली चीज आप head में पहुंचा दीजिए तो head जो है tail में convert हो जाएगा, ठीक है। इन रीजनरेटिंग प्लेनेरिया बीटा कैट इज एक्टिवेटेड वीआर WNT इन द पोस्टीरियर फेसिंग ब्लास्टिमा विच जनरेट अ टेल, ठीक है। ठीक है, टेल कहां रहता है, टेल पोस्टीरियर साइड में रहता है, राइट। और हेड आपको पता होगा इंटीरियर साइड में रहता है, तो हेड बनने वाले जो सिग्नलिंग होता है WNT उसको पोस्टीरियर साइड में रोक के रखता है, ताकि हेड पोस्टीरियर साइड में आके ना बने। As in vertebrate development, an anterior polarity in planaria regeneration is dependent on the repression of WNT signaling, which prevent beta cat accumulation and allow the head formation. यानी सिंपल भाषा में कहें तो जहां पर हेड बनेगा, जहां पर हेड फॉर्म होगा, कहां पे हेड फॉर्म होगा, एंटीरियर साइड में। उस एंटीरियर साइड में क्या होगा, देर विल बी नो WNT, नो बीटा कैट, सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट, इफ बीटा कैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर ब्लास्टिमा बाय RNAi, अगर आपने क्या किया, फोर्थ कंसेप्ट, RNAi यानी इंटरफेरेंस RNA के द्वारा आपने बीटा कैट को ब्लॉक कर दिया, कहां से, जहां ये प्रेजेंट रहता है, कहां प्रेजेंट रहता है, पोस्टीरियर में, क्यों रहता है, टेल बनाता है इसलिए रहता है, ठीक है। अगर आपने RNAi को RNAi टेक्निक अप्लाई किया बीटा कैट पे और आपने उसको जो है एलिमिनेट कर दिया या ब्लॉक कर दिया या साइलेंस कर दिया, उस टाइम पे क्या होगा, ब्लास्टिमा विल फॉर्म अ हेड, उस साइड में क्या होगा, यानी पोस्टीरियर साइड, ये कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में, तो एज अ रिजल्ट वहां क्या बन जाएगा, वहां बन जाएगा हेड। क्यों, क्योंकि हेड को रोकने वाला कोई नहीं है, बीटा कैट के द्वारा ही हेड को रोका जाता है, WNT सिग्नलिंग चलती है, WNT बीटा कैट को एक्टिवेट करता है, उसके द्वारा हेड को बनाने वाला सिग्नलिंग पाथवे को रोका जाता है। अब आपने बीटा कैट को ही रोक दिया तो हेड बनाएगा, हेड बनाने वाले सिग्नल को कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, हेंस पोस्टीरियर साइड में भी क्या बन जाएगा, हेड। इंडीड वेयर RNAi इज कंप्लीटली एलिमिनेट बीटा कैट फ्रॉम नॉन रीजनरेटिंग प्लेटफॉर्म, द एंटायर ऑर्गेनिज्म बिकम अ हेड विथ नॉर्मल साइज आई ऑल ओवर द पेरिफेरी। इनफैक्ट मान लीजिए अगर आपने RNAi के द्वारा जो है मैक्सिमम बीटा कैट को हटा दिया, तो उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ हेड ही हेड मिलेगा, यानी पूरी बॉडी एक्सिस पे जो है, पूरे के पूरे बॉडी एक्सिस पे आपको चारों तरफ सिर्फ आईज आईज दिखेंगी, उसमें कोई टेल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हेड और आईज दिखेंगी, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो है कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिए ये रहा सी वाला, देखिए सी वाला डायग्राम देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि पेरिफेरल एरिया में यहाँ पे आंख है, यहाँ पे आंख है, आंख और आंख, आंख जो है हेड साइड में होता है और टेल इसका गायब है। नॉर्मल प्लेनेरिया देखिए, यहाँ पर ये रहा इसका हेड जिसे हम एंटीरियर कहते हैं, और ये रहा इसका टेल जिसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। टेल के लिए जो है यहाँ पर WNT बीटा कैट रेस्पॉन्सिबल है। तो ये रहा नॉर्मल यानी वाइल्ड टाइप केस,
अब आपने क्या किया, बीटा कैट को ब्लॉक कर दिया। बीटा कैट को ब्लॉक कर दिया तो मतलब डब्ल्यू एन टी रहे भी और बीटा कैट ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, सिग्नलिंग नहीं होगी। तो देखिए इधर आंख बन गई, इधर भी आंख बन गई, यानी इधर भी हेड आ गया, इधर भी हेड आ गया, यानी सिर्फ हेड फिनोटाइप ही बन रहा है, टेल बन ही नहीं रहा है। दूसरे केस में अगर आप डब्ल्यू एन टी को ब्लॉक कर दो, डब्ल्यू एन टी वन को ब्लॉक कर दो, तो बात तो वही है, आप डब्ल्यू एन टी को ब्लॉक करो या बीटा कैट को ब्लॉक करो, आपने रिजल्ट तो एक ही मिलना है ना बार बार, क्योंकि डब्ल्यू एन टी एक्टिवेट होकर बीटा कैट को एक्टिवेट करवाता है। कौन से पाथवे के द्वारा, डब्ल्यू एन टी पाथवे के द्वारा। तो आप चाहे बीटा कैट को रोक दो या डब्ल्यू एन टी को रोक दो, आपने रिजल्ट सेम मिलना है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ हेड और हेड ही मिलना है, टेल आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज वॉट मेंशन हियर। नॉर्मली डब्ल्यू एन टी आर प्रोड्यूस इन पोस्टीरियर ब्लास्टिमा एंड रिजल्ट इज टेल। नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो डब्ल्यू एन टी जो है पोस्टीरियर ब्लास्टिमा में फॉर्म होता है और वहां पे वो टेल बनाता है। अगर आपने डब्ल्यू एन टी पाथवे को ब्लॉक कर दिया आरएनएआई टेक्निक के द्वारा, इधर बाई बी कैट, ठीक है, या फिर आपने डब्ल्यू एन टी एमआरएनए को ब्लॉक कर दिया, देन द पोस्टीरियर ब्लास्टिमा रीजनरेट अ हेड, पोस्टीरियर साइड में हेड बन जाएगा, रिजल्टिंग इन अ वॉर्म विथ हेड एट बोथ द एंड। और इस प्लेटफॉर्म में जो है आपको दोनों ही साइड पे, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ही साइड पे जो है आपको हेड देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अभी हमने सिर्फ टेल ग्रेडियंट की बात की है कि टेल को कौन बना रहा है। डब्ल्यू एन टी बीटा कैट ये आपका किसी भी चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो तो जिस दिन से हमने इसे पढ़ा है तब से लेके आज तक किसी एक चैप्टर में भी इसने पीछा छोड़ा है, नहीं छोड़ा है और छोड़ेगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके अब क्योंकि हमने पोस्टीरियर साइड की कहानी देख ली कि वहां डब्ल्यू एन टी प्रेजेंट रहता है, वॉट अबाउट एंटीरियर साइड, यानी हेड भी, हेड को बनाने वाला भी तो कोई प्रेजेंट रहता होगा। तो डब्ल्यू एन टी का कंसेंट्रेशन टेल साइड में हाई रहता है, जहां पे वो बीटा कैट को एक्टिवेट करता है और टेल का डेवलपमेंट पाथवे चलाता है। डब्ल्यू एन टी का रिप्रेस्ड एरिया, यानी जहां पे डब्ल्यू एन टी प्रेजेंट नहीं रह सकता, वो है हेड एरिया। जहां पे डब्ल्यू एन टी नहीं रहेगा वहां पे क्या डेवलप करेगा, हेड डेवलप करेगा। और अभी हमने देखा कि अगर आप आरएनएआई टेक्निक को बीटा कैट पे अप्लाई कर देते हैं, टेल डेवलपमेंट नहीं होगा, एंटायर ऑर्गेनिज्म जो है उसके पूरी बॉडी पे हेड एंड आईज जो है देखने को मिलेगा। अब एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी की बात करते हैं तो यहाँ एक्चुअल में तीन फैक्टर का सिग्नलिंग चलता है। एक है ईआरके, ईआरके जो है ये हेड एरिया में एक्सप्रेस करेगा, यानी कहां पे, एंटीरियर साइड में एक्सप्रेस करेगा। ईआरके विल एक्सप्रेस इन एंटीरियर हेड साइड। फिर आता है दूसरा फैक्टर नोटम, नोटम भी जो है हेड साइड में एक्सप्रेस करेगा एंटीरियर में। और तीसरा आता है डब्ल्यू एन टी, जो कि कहां एक्सप्रेस करेगा, टेल एरिया में, और ये वहां पे पोस्टीरियर एरिया में एक्सप्रेस करेगा और वहां पे टेल बनाने का काम करेगा। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे चलता है ये पिक्चर आपके सामने बता के रखी है। देखिए ये रहा प्लेनेरिया का टेल साइड यानी पोस्टीरियर, ये येलो कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ डब्ल्यू एन टी बीटा कैट, ठीक है। ये ब्लू वाला जो है, ये वाला साइड मेनली, ये हो गया आपका हेड साइड, हेड यानी एंटीरियर। ये ब्लू वाला पोर्शन क्या है, ये ब्लू वाला पोर्शन है नोटम, ठीक है। और ये पर्पल वाला पोर्शन कौन सा है, दैट इज ई आर के। तो यहां रिलेशन चलता कैसे है, देखिए यहां रिलेशन में बता के रखा है, डब्ल्यू एन टी इनहिबिट द एंटीरियरली एक्सप्रेस्ड हेड इंड्यूसर ई आर के। डब्ल्यू एन टी जो है वो ई आर के को रोकता है। डब्ल्यू एन टी इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोस्ट एंटीरियर हेड रीजन थ्रू द एंटागोनिज्म ऑफ नोटम। और नोटम क्या करता है, नोटम यहाँ पे मेनली डब्ल्यू एन टी को रोकता है। यानी कहानी क्या है, यहाँ पे जो नोटम है वो नोटम डब्ल्यू एन टी को एंटीरियर साइड में कभी एक्सप्रेस नहीं करने देगा, और पोस्टीरियर साइड में जो डब्ल्यू एन टी है वो डब्ल्यू एन टी पोस्टीरियर साइड में कभी ईआरके को एक्सप्रेस नहीं करने देगा।
ये कब का केस है, ये है वाई टाइप केस। तो नोटम ने डब्ल्यू एन टी को एंटीरियर साइड में रोक के रखा है, इसलिए डब्ल्यू एन टी पोस्टीरियर साइड में है, और डब्ल्यू एन टी ने ईआरके को पोस्टीरियर साइड में ब्लॉक करके रखा है, इसलिए ईआरके सिर्फ एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है। और यही सब क्रॉस चेक सिग्नलिंग होती है, जिससे कि एंटीरियर साइड में नोटम एंड ईआरके है एंड दे आर रिजल्टिंग इन टू हेड फिनोटाइप, और पोस्टीरियर साइड में डब्ल्यू एन टी है जिसकी वजह से बीटा कैट एक्यूमुलेशन होता है और वहां पे टेल बनता है, दैट इज पोस्टीरियर सेक्शन बनता है। नोटम को आप पहले भी पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जो कि नेगेटिव फीडबैक लूप को चलाता है जब डब्ल्यू एन टी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्लियर? तो ईआरके और नोटम यहाँ पे हेड इंड्यूसर है, हेड बनाएंगे, और डब्ल्यू एन टी टेल बनाएगा। डब्ल्यू एन टी ईआरके को पोस्टीरियर साइड में रोकेगा और नोटम डब्ल्यू एन टी को एंटीरियर साइड में रोकेगा। आगे बढ़ा जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर। यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ हाँ यहाँ पे कुछ वो है म्यूटेशन केसेस है, ठीक है। तो डब्ल्यू एन टी का इनहिबिटर कहलाता है नोटम, ठीक है। और नोटम क्या करता है, नोटम अप रेगुलेट करता है एंटीरियर फेसिंग ब्लास्टिमा को, इंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है। इट वॉज फाउंड दैट नोटम एक्सप्रेशन इज डाउन रेगुलेटेड इन रीजनरेटिंग डेफिशियंट स्पीसीज। जो ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें रीजनरेशन नहीं होता है, उनमें नोटम का एक्सप्रेशन जो है डाउन रेगुलेटेड बेसिस पे देखा गया। नोटम को मेनली एक्सप्रेस करता हुआ देखा गया ओनली इन द एंटीरियर ब्लास्टिमा, स्पेशली उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें रीजनरेशन होता है। अगर आप नोटम के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दो या नॉक डाउन कर दो, नोटम के एक्सप्रेशन को हटा दो, तो क्या होगा, वो नोटम जो डब्ल्यू एन टी को रोक रहा था वो डब्ल्यू एन टी अब रुकेगा नहीं, और कहाँ चलाएगा वो डब्ल्यू एन टी पोस्टीरियर में तो था ही, वो इंटीरियर में भी चलाएगा। क्यों? बिकॉज देर इज नो वन टू इनहिबिट द डब्ल्यू एन टी, कॉजिंग टू मच डब्ल्यू एन टी टू बिकम फंक्शनली एक्टिव एक्टिव द इंटीरियर फेसिंग ब्लास्टिमा विल फॉर्म टेल। क्योंकि डब्ल्यू एन टी वहां पे आके एक्सप्रेस कर जाएगा और अब इंटीरियर साइड में भी क्या बनने लगेगा, टेल बनने लगेगा। दीज रिजल्ट स्ट्रांगली सजेस्ट दैट द एंटीरियर एक्सप्रेशन ऑफ नोटम फंक्शन टू एंटागोनाइज द पोस्टीरियर प्रोड्यूस डब्ल्यू एन टी लीडिंग टू द हेड स्पेसिफिकेशन। यानी नॉर्मल हेड बनना है तो जरूरी है कि नोटम एंटीरियर साइड में एक्सप्रेस करे और वहां पे वो डब्ल्यू एन टी को इनहिबिट करे, क्योंकि म्यूटेशन केस में देखा गया कि अगर आप नोटम को नॉक डाउन कर दो तो उस टाइम पे जो है डब्ल्यू एन टी आके एंटीरियर साइड में एक्सप्रेस कर जा रहा है। इट हैज बीन प्रपोज दैट रेगुलेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन द डब्ल्यू एन टी नोटम सिग्नलिंग में अंडरलाइन नॉट ओनली द हेड टू टेल स्पेसिफिकेशन बट ऑल्सो द रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन साइज। इनके बीच में जो बैलेंस होता है ना कि कब कौन एक्टिवेट होगा और कब कौन कैसे काम करेगा, वो बैलेंस ही क्या करता है, प्रॉपर ढंग से रीजनरेशन करवाता है। There also appear to be the anterior to posterior gradient ERK signaling that function as a positive inducer of head specification. WNT signaling achieves its repression of head regeneration by inhibiting the ERK. और WNT जो है posterior side की identity कैसे बना पाता है ERK को रोक के। Therefore, only those more anterior region lacking WNT due to the notum repression of WNT can ERK induce head region. तो ERK उसी एरिया में हेड को रीजनरेट कर सकता है जिस एरिया में डब्ल्यू एन टी ना हो और नोटम हो, क्योंकि जिस एरिया में डब्ल्यू एन टी रहेगा वहां पे डब्ल्यू एन टी ERK को काम नहीं करने देगा, और ERK काम नहीं करेगा तो हेड स्पेसिफिकेशन। क्लियर? तो हमने सारी समरी भी इसके साथ ही कर ली जो भी थी। तो हमने जो है प्लेनेरिया का केस देखा जिसमें कि हमने ये कहा इसमें स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन होता है। इसी का हम केस स्टडी पढ़ रहे थे, और इसमें जो है टी नियोब्लास्ट काम करता है।
बट देर आर सम अदर फैक्टर्स टू. वो अदर फैक्टर क्या है? मेरा प्लेन एरिया तो कुछ अलग ही बन गया. ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, दैट इज टेल एंड दिस इज हेड. तो हमने ये देखा नॉर्मल केस में कि एंटीरियर साइड बनाने के लिए देयर इज अ टू फैक्टर कॉल्ड नोटम एंड ERK. ऑल्सो नोटम इज गोइंग टू इनहिबिट WNT एट head section and this whole signaling will give rise to head specification. ज्यादा हंसो मत, ठीक है? मेरा डायग्राम जो है वर्ल्ड फेमस है, दांत झड़ जाएंगे इतना हंसोगे तो. और इस टेल एरिया में क्या है? WNT बीटा कैट, जहां पे ये रहेगा. This is going to inhibit ERK and this will lead to tail specification. Again. Clear? Mutation cases में जोड़ लीजिएगा. Concept यही है. Concept slide मैंने बना दी जो कि ये है. म्यूटेशन केसेस आप अपने एंड से जोड़ लीजिएगा. यस, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ा जाए. सब हंस रहे हैं ना, सबके दांत झड़ेंगे देखना. है ये हंसी बहुत महंगी पड़ी है. ओके, so with this we are done with stem cell mediated regeneration. इसके example में जो है हमने hair shaft का example देखा, blood cell का regeneration देखा, planaria के case में regeneration देखा, जिसमें हमने C neoblast को लेके एक experiment देखा. उसके बाद planaria के ऊपर जो है अलग अलग तरीके से हमने 3-4 से ज्यादा हमने एक्सपेरिमेंट देखे. तो ये एक्सपेरिमेंट, म्यूटेशन, रिजल्ट, ये सब जो है आपको याद रहना चाहिए. तो इसी में आपकी कितनी स्लाइड जो है, मैंने एक तरीके से एक ये स्लाइड, ठीक है, एक ये स्लाइड में आपको मैंने पूरा बता दिया. उसके बाद इधर पे भी सब कुछ समझा दिया कैसे होता है. तो इसके साथ साथ ही मैं नोट डाउन भी इसी में करते हुए जा रही हूँ. चलो,